हेलो दोस्तों, मैं हूं बिजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 14। दोस्तों, इसके पहले आपको 13 पार्ट कराए जा चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बाथरूम प्लानिंग। ओके, तो दोस्तों आज हम बाथरूम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें केवल दिया गया है कि हमें दो टाइप के बाथरूम का प्लानिंग बनाना है, जो कि एक 3x3 मीटर का रहेगा और दूसरा जो है 3x4 मीटर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर स्केल ले लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्केल जो हम लेंगे वो 1:25 की ले लेंगे। ओके, तो 1:25 की हम स्केल पे अपने ड्राइंग को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3x3 मीटर के बाथरूम प्लानिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन से हम एक 3x3 का स्क्वायर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 मीटर को स्केल पर चेंज करते हैं। तो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो 12 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, का आप एक स्क्वायर बना लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, हमारी जो क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और गिवेन है, जो मेरी वॉल की थिकनेस है वो 200 mm है, या फिर आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25, तो 0.8 सेंटीमीटर आ गया। तो 0.8 सेंटीमीटर को जब हम स्केल पर खींच लेंगे तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप ऐसा बनाएं कि आपको दोबारा मिटाना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मिटा सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि दोबारा आपको मिटाना ना पड़े और एक ही बार में आप बना ले जाएं। तो यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने ये चारों तरफ दीवार खींच ली। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपको मेज़रमेंट दी जाएगी वो इंटरनल होगी, यानी कि 3x3 मीटर जो है इंटरनल एरिया है। क्लियर है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर स्केल पर 5 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में बात करें तो 2 mm, यहाँ पर हम एक 2 mm का हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा दरवाज़ा फिट होगा। दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसी को हम डार्क HB पेंसिल से खींच लेते हैं। तो यहाँ पे खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और ठीक यहाँ पे इसको भी हम खींच लेते हैं, और इसको जस्ट खींच लेते हैं जो हमने खींचा था। प्रोजेक्शन लाइन बाद में हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे भी हम खींच लेते हैं इसको। जस्ट इसको भी हमने खींच लिया इस तरह से। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए लगभग सभी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, और एक दो वीडियो और बची हैं, जो कि डैम के ऊपर, यानी कि अर्थन डैम, या फिर आप कह सकते हैं जो मिट्टी वाले डैम होते हैं, और जो वीयर है वो, ये दो टॉपिक बचे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दरवाज़ा नहीं दिया गया है, तो हम अपने आप से अज्यूम कर लेंगे। तो दरवाजे की जो मेज़रमेंट हो जाएगी वो 900 mm × 900 mm। ठीक है, तो 900 mm, इसका मतलब 90 सेंटीमीटर, यानी 0.9 मीटर × 0.9 मीटर। तो 0.9 मीटर को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो देख लीजिए कितना आता है, 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25, तो ये 3.6 आ रहा है। तो 3.6,
तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट करके इसको हम खींच लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेंगे। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा बाथरूम की प्लानिंग हो गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। ईंट की हैचिंग हम बाद में कर लेंगे। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 1 mm मोटी टाइल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो 1 mm यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर लेते हैं, यानी इसके चारों तरफ हमारी 1 mm मोटी टाइल लगेगी और बाहर की तरफ भी लग जाएगी कुछ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी इस तरह से मिला लेंगे। चूँकि यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा तो इसलिए हम यहाँ पे प्लास्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे इसको और यहाँ पे इसको इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, 1 mm थिकनेस का होता है जो टाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारा बाथरूम है, ठीक है, जिसमें हम शावर होता है, जिसमें नहाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों उसका जो मेज़रमेंट दिया गया है वो 500 mm इंटू 590 mm दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम बना लेते हैं। तो जो 500 है वो हॉरिजॉन्टल है एंड 590 mm जो है वो वर्टिकल है। तो 590 यानी कि 590 mm यानी कि 59 cm डिवाइडेड बाई 25, तो 2.36 cm आ रहा है स्केल पे, 2.36, तो लगभग 2.4 ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम यहाँ से खींच लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों लेटली यानी कि जो हमारी चौड़ाई है वो कितना है, 500 mm है, यानी कि 500 mm 50 cm को स्केल पे चेंज करेंगे तो हमारा 2 cm आ जाएगा। तो यहाँ पे खींच लेते इस तरह से और यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, 3 mm का या 4 mm का यहाँ से इसका हम लेयर दे देते हैं, यानी कि बाउंड्री दे देते हैं इसको। ये शावर होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दे देंगे। क्लियर है? और यहाँ पे एक जो होती है कोंच होता है जो कि पारदर्शी होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, पारदर्शी कोंच इसका नाम होता है। ठीक है, आपको इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और बीच में यहाँ पे हम एक पानी निकासी के लिए होता है यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं बाथरूम जो है, बाथ टब होता है जिसमें हम नहाते हैं। ठीक है, तो बाथ टब की जो मेज़रमेंट है वो 1.5 meter इंटू 0.5 meter है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो मेज़रमेंट जो हो जाएगी हमारी 1.5 meter, तो 1.5 meter 1.5 × 100 डिवाइडेड बाई 25, तो 6 cm आ गया स्केल पे। तो 7 cm ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से कुछ 7 cm यहाँ पे आगे आ जाएगा। और जो हमारा चौड़ाई होगी यानी कि 50 cm है, तो 50 cm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 cm आ जाएगा। तो 2 cm से कुछ ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि लगभग 3 cm ले लेंगे। ठीक है, और लगभग क्या, थोड़ा से और कम ले ले रहे हैं क्योंकि इसी के अंदर हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, या फिर यहीं से हम 6 cm प्रोवाइड कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा इसको, और यहाँ से हमने इसको मिला लिया। ये हमारा हो गया कितना, 6 cm, और ये हो गया 2.5 cm, या फिर यहाँ से हम बनाएंगे तो ये हमारा 2 cm आ जाएगा स्केल पर। ठीक है, तो अब इसको हम बना लेते हैं। तो 2 cm यहाँ से, 2 mm लगभग,
यहाँ से छोड़ लेंगे और यहाँ पे लाके इसको मिला लेंगे। ठीक है, मिलाएं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद लगभग नीचे 1 mm तक छोड़ लेंगे, 1 mm यहाँ पे छोड़ेंगे और जस्ट इसके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब अपना सर्कल मास्टर उठाएंगे और सर्कल मास्टर से यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल टाइप, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर होता है। ठीक है, और ये इसमें लगा हुआ होता है, तो यहाँ से इस तरह से सर्कुलर खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मिल गया। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बाथ टब भी बना लिया है, जिसकी मेज़रमेंट कितनी है, ये है हमारी 6 cm और ये है 2 cm स्केल पर, और एक्चुअल में बात करें तो ये 1.5 meter है, ये 0.5 meter है। अब इसके बाद इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा जो बचा इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो 3.4 आ रहा है, तो 3.4 का हम मिड पॉइंट ले लेंगे, तो 17 mm यानी कि 1.7 आ जाएगा, तो 1.7 यहाँ पे आ रहा है कुछ, 1.7 यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमारे जो बनेगी टॉवेल रेल बनेगी, टॉवेल रेल यानी कि जो कपड़े हम टांगते हैं उसको हम बनाएंगे, तो उसकी जो लंबाई होगी वो 600 mm होगी, तो 600 mm को स्केल पे चेंज करेंगे, तो देखिए 600 mm यानी कि 60 cm डिवाइडेड बाई 25, तो 2.4 आ गया, तो 2.4 यानी 1.2 लेफ्ट एंड राइट मिड पॉइंट से, तो यहाँ पे पॉइंट कर लिए 2.4, यहाँ पे पॉइंट कर लिए। ठीक है, और यहीं पे हम अपना टॉवेल रेल बना देंगे, 3 mm बाहर निकाल के यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया हमारा टॉवेल रेल, यानी कि यहाँ पे नहाएंगे तब भी टॉवल टांग सकते हैं और यहाँ पे इसमें नहाएंगे तब भी हम टॉवल रख सकते हैं। और ये हमारा जो है ये शावर वाला है, और ये आप देख सकते हैं इसको हम, ये पर्दा टाइप होता है। ठीक है, इसको हम हटा के अपारदर्शी कोच होता है, यानी कि इसको हटा के घुस जाते हैं और फिर इसको टांग देते हैं और इसमें नहा लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोने में हमारा शावर लगा होता है, अभी मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे खूंटियाँ बनी होती हैं इसमें, और इसी खूंटी में हम टांग देते हैं, क्योंकि हम प्लान से देख रहे हैं तो हमें यही चीज़ दिखाई देगी। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फुट मैट बना देते हैं, फुट मैट की जो मेज़रमेंट है वो 500 mm × 300 mm है, तो 500 mm को हम स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 यानी 50 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 2 cm आ गया, तो 2 cm हमारा हो जाएगा इस तरह से। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, 3 हो जाएगा मिड पॉइंट, और 1 cm लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ। और 300 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 point कुछ करके आ जाएगा, देख लेते हैं, 30 divided by 25, तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम मैट होता है चूँकि, तो इस तरह से हम मैट का साइन दिखा लेते हैं, और इसकी मेज़रमेंट हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, चूँकि हमें एक और प्लानिंग भी बनानी है तो हम दोनों की नेमिंग और हैचिंग दोनों में साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैट बना लिया, बाथ टब बना लिया और शावर बना लिया। अब हमको बनाना है टॉयलेट और सिंक, तो सिंक को हम पहले बना लेते हैं, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसका मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो वॉश बेसिन होती है, ठीक है, वॉश बेसिन की जो मेज़रमेंट है वो 550 यानी कि 550 mm × 400 mm है, तो 550 हॉरिजॉन्टल है और 400 mm वर्टिकल है, तो 400 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल वाला इक्वलेंट बना लेते हैं, तो 550 यानी 55 cm डिवाइडेड बाई 25, तो 2.2 cm आ रहा है, तो 2.2 यानी कि 1.1 cm मिड पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से 1.1 यहाँ पे, और 2.2 आ रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2.2 हो जाएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, अब इस मिड पॉइंट से 1.5 इधर, 1.1 इधर,
और 1.1 इस साइड में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है जो वॉश बेसिन है उसकी जो वर्टिकल, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली एक्स और वाई होता है, एक्स जो हॉरिजॉन्टल होता है यानी वो हॉरिजॉन्टल हो गया और वाई जो है वर्टिकल हो गया, यानी कि 400 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 400 यानी 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 तो 1.6 आ गया। तो 1.6 यहाँ से हम इस तरह से खींच लेंगे तो यहाँ पे लगभग आ गया, ठीक है, 1.6 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वॉश बेसिन को यहाँ से पहले 1 mm इस साइड से और 1 mm इस साइड से छोड़ लेते हैं और यहाँ पे इसको सटा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वॉश बेसिन इसमें लगा हुआ होता है, ठीक है, इसमें डार्क कलर से हम कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ होता है वॉश बेसिन। और ये कुछ सर्कुलर टाइप इस तरह से मिल जाता है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे सर्कुलर टाइप मिल जाता है, यहाँ पे इसको हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वॉश बेसिन बन जाएगा, ठीक है, और इसका हम नेमिंग और हैचिंग बाद में करेंगे। यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए यहाँ पे जो हमारा ग्लास होता है वो लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा और इस या फिर यहाँ पे ब्रश लग देंगे हाथ धोने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम डोर बना देंगे, इसका जो ये इरेज हम कर देंगे क्योंकि ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन है तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो उसको बिल्कुल हल्की लाइन से बनाएंगे, हल्के हाथों से बनाएंगे क्योंकि मिटाने में आसानी हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बना देंगे अपना टॉयलेट, ठीक है, जो टॉयलेट होता है इस वाली प्लानिंग में हम टॉयलेट जो है इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि जो नीचे वाला टॉयलेट होता है फ्लोर वाला टॉयलेट उसको बनाएंगे और दूसरी वाली प्लानिंग में जो जो टॉयलेट है वो इंग्लिश वाला टॉयलेट हम बनाएंगे। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है तो दोनों आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मीटर तक यानी कि 1 मीटर तक हम इसका रेंज लेते हैं टॉयलेट का, तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, पॉइंट करने के बाद इसका 2 सेंटीमीटर यानी कि मिड पॉइंट ले लेंगे और मिड पॉइंट से ही 1 सेंटीमीटर छोड़कर दीवार से 1 सेंटीमीटर छोड़कर अपनी सीट बैठा लेंगे। तो सीट की जो मेज़रमेंट होगी, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर लगभग ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर डाया का। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा और इसका पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ से पॉइंट करके ये हमारा डाया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो हमारा इस ये वाला होता है पोर्शन बीच वाला 150 mm का होता है यानी 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 तो ये 0.6 आ गया। तो 3 mm लेफ्ट एंड राइट मिड पॉइंट से 3 mm लेफ्ट एंड राइट तो यहाँ पे आ गया इस तरह से। तो सबसे पहले इसको खींच लेते हैं, ये जो है तो आपका सर्कल मास्टर आपके बहुत काम आने वाला है तो आप उसको बचा के रखें, ठीक है। ये 3 mm यहाँ पे छोड़ दिए हम, 3 mm यहाँ पे छोड़ दिए और इसको कुछ इस तरह से सर्कुलर कर देते हैं कुछ अंडाकार में, ठीक है, और इसको कुछ अंडाकार इस तरह से फ्री हैंड। और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई 250 है तो 250 यानी 1 सेंटीमीटर यानी कि इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर जाएंगे आगे की तरफ 1 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे सर्कुलर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो इसको हम सर्कुलर कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर में ही सर्कुलर भी है और लंबाई भी है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 510 mm है तो आप इसको ध्यान में रखें, नेमिंग हम बाद में कर लेंगे। अब इसके बाद जिस पे पैर रखते हैं उसको हम बना लेते हैं। तो 1 mm इसकी
मेज़रमेंट है थिकनेस की, तो इसको आप बना लीजिए। यहाँ से इस तरह से हम बना लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया तो आप इसको पतला बना लेंगे। और इसकी जो लंबाई होती है वो 250 mm है, ठीक है, 250 mm यानी कि 1 cm है। तो इसको आप इस तरह से खींच लीजिएगा, ये हो गया। अब इसमें हम 3 dots बना देते हैं, क्योंकि इस तरह से कुछ डिवाइडेड रहता है। इस पर पैर रख के इस पर बैठा जाता है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर दी गई हैं। चलिए अब इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शावर से। तो दोस्तों यहाँ ये हमारा शावर है, और इसमें जो है अपारदर्शी कोच ग्लास लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम नहाएंगे और बाहर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद ये टावल रेल लगाई गई, जिसकी लंबाई 600 meters है, सॉरी 600 mm है, ठीक है। यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए यूज़ में लाया जाता है। यहाँ पे बाथ टब लगाया, जिसकी लंबाई 1.5 meters, चौड़ाई 0.5 meters है। और यहाँ पे इसमें से पानी निकलेगा अंदर, यानी कि पानी सीवेज, यानी कि वेस्टेज जो पानी है वो निकल जाएगा, और यहाँ से इन दोनों पाइप से पानी इसमें भर जाएगा, ठीक है। ये फुट मैट है, जिसकी मेज़रमेंट 500 mm गुड़े 300 mm है। यहाँ पे दोस्तों ये सिंक लगाया गया है, इसमें हाथ धोने के लिए, ठीक है, यूज में लाया जाता है। और ये जो है वॉश बेसिन है, सॉरी सिंक नहीं है, वॉश बेसिन है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा ग्लास या ब्रश है, ठीक है। तो इसकी जो मेज़रमेंट है वो 150 mm × 760 यानी 76 mm है। यहीं इसके नीचे जो है, या इसके बगल में फ्लश टैंक लगाया जाता है। और ये हमारी जो टाइल्स लगाई गई हैं, यानी दीवार के चारों तरफ टाइल्स लगाई गई हैं, ये दोस्तों ये हमारा 1 meter के रेंज में हमारा टॉयलेट बैठाया गया है, जिसकी टोटल लंबाई 540 mm है। ये हमारी लंबाई जो है ये वाली 150 mm है, ये 250 mm है, और ये जो डाया है वो 230 mm है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो डोर है वो 900 mm × 900 mm का है। तो इस तरह से हमने जो बाथरूम की प्लानिंग है इसको हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की प्लानिंग की, जो कि क्वेश्चन में 4 meters × 3 meters की प्लानिंग दी गई है, तो उसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमको दिया गया है, जो हमारी सेकंड प्लानिंग है, यानी बाथरूम की जो सेकंड प्लानिंग है, उसकी जो मेज़रमेंट दी गई, यानी हॉरिजेंटल कितना है 4 meters है, और वर्टिकल कितना है 3 meters है। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी 4 meters को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। यानी 100 divided by 25, तो 16 cm आ रहा है। तो 16 cm को खींच देते हैं इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। 16 cm यहाँ पे आ रहा है, खींच लिए, क्लियर है। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, यहाँ हम 4 meters को खींच लेंगे, 3 meters को खींचेंगे तो 12 cm स्केल पे आ जाएगा। खींच लेंगे इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे 16 cm, ठीक है। और इसको हम मिला लेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल हो गया।
दोस्तों अब क्या करते हैं, इसके बाहर बाहर से हम मिला लेते हैं, यानी कि हमारी जो दीवार है वो 20 सेंटीमीटर थिकनेस की, यानी 0.2 मीटर की है। तो जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 8 mm आ जाएगा। तो खींच लेते हैं इस तरह से, तो 8 mm यहाँ पे आ जाएगा, इसको खींच लेते हैं यहाँ पे 8 mm। क्लियर है, यहाँ पे खींच दिए। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट लगाने के बाद इसको खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम पॉइंट करके इसको खींच लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, बाहरी वाल भी बना लिया, यानी कि जो दीवार है इसको बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डार्क पेंसिल से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस बार दरवाज़ा इस साइड में होगा, ठीक है। दरवाजे की साइज़ जो होगी वो एक बेडरूम के साइज़ के बराबर होगी। कितना होगा, ये हमारा जो होता है 1.2 × 2.1 होता है, ठीक है। तो उतना ही ले लेंगे, या फिर आप 0.9 मीटर इंटू 2.1 मीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 0.9 मीटर इंटू 2.1 मीटर ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 mm पॉइंट करके इसको हम बना लेंगे इसके, ठीक है। और यहाँ से हम जो हमारे दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई छोड़ देते हैं, यानी प्लान हम बना रहे हैं तो प्लान में चौड़ाई दिखाई देगा। तो 0.9 यानी कि 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25, तो 3.6 आ रहा है। तो 3.6 यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम पॉइंट करने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, चारों तरफ अपनी वॉल को खींच लेंगे, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ें और उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मिला लिया, इसको भी मिला लेंगे, ठीक है, इसको भी मिला लेंगे। अगर आपने बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा होगा तो आपको बनाने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें ये एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे बड़ा पार्ट में आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने प्लानिंग बना लिया, इसको हम बाद में इरेज कर लेंगे, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे अपना फ्लोर, जहाँ से हमारा पानी निकलेगा उसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा 75 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर बनाना है, तो 75 डिवाइडेड बाई 25, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। और दोस्तों स्केल जो है यही लेंगे दोनों के लिए, दोनों के लिए स्केल एक ही रहेगी 125। तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टाइल लगा लेते हैं, टाइल हमने लगाना भूल गए, ठीक है। तो टाइल लगा लेते हैं यहाँ पे, 1 mm की टाइल लगेगी चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है, यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे भी लगा लेते हैं इस तरह से। ज़्यादा हो गया कुछ, इसको कम कर लेते हैं, 1 mm ही रखना है थिकनेस जो है, 1 mm ही रखना है, ओके, 1 mm ही रखना है थिकनेस को। यहाँ पे मिला लेंगे, जस्ट यहाँ पे भी मिला लेंगे, हाँ। तो अब बनाते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये एक स्क्वायर टाइप बनेगा, तो इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है, खींच लिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना जो बीच में, यहाँ पे सर्कल मास्टर से यहाँ पे जो फ्लोर ट्रैप है इसको हम बना लेते हैं, इसको FT शॉर्ट में कह देंगे, ये हमारा फ्लोर ट्रैप है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसको बना लिया, जो हमारी
वाटर सप्लाई है, इसको हम बाद में बनाएंगे। अब इसके जस्ट बगल में होता है हमारा टॉवेल रेल होता है। टॉवेल रेल की लंबाई आप जानते हैं 600 mm होती है। 600 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 यानी 60 डिवाइडेड बाई 25, तो 2.4 आ रहा है। तो 2.4 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, हम 2 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं क्योंकि बड़े में आता है और छोटे में भी आता है, तो हम छोटा वाला ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा टॉवेल रेल बन गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉवेल रेल हो गया। अब इसके इसमें मिड पॉइंट पे यानी 12 यानी मिड पॉइंट पे 6 आ जाएगा और यहाँ से 1.2 × 1.5 मेज़रमेंट की हम खिड़की लगा देते हैं जो कि बहुत ऊंचाई पर रहेगी, नीचे नहीं रहता है खिड़की। आप ध्यान रखें नीचे नहीं लगाना है, ऊंचाई पे लगाना है खिड़की। तो कितना हो जाएगा, 1.2 को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.2 × 100 / 25, तो 4.8 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 2.4 आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट से 2.4 ऊपर और 2.4 नीचे। तो यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से इसको हम बना लेंगे। और जो खिड़की है वो हम मान लेते हैं ग्लास की है, तो इस तरह से हम ग्लास का सिंबल दिखा देंगे क्योंकि हम सेक्शन में बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने खिड़की भी बना ली है जो कि बहुत हाइट पे रहेगी, ऊंचाई पर रहेगी, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर हमारी जो रहेगी डिवाइडिंग वॉल टॉयलेट के लिए। टॉयलेट हमारा यहाँ पे बनाया जाएगा इसमें, और जो टॉयलेट होगा वो इंग्लिश टॉयलेट होगा। तो यहाँ पे एक मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो चार सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लगभग खींच देंगे इसको और यहाँ पे फ्री हैंड ही इसको इस तरह से फ्री हैंड या इस तरह से डिवाइडिंग वॉल की तरह बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना बाथ टब जिसकी मेज़रमेंट होगी, हमारी मेज़रमेंट होती है उसकी 1.5 × 0.5 meters होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 centimeters, ओके, और यहाँ पे जस्ट 3 centimeters, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमको बनाना है बाथ टब, तो ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से 2 mm या 3 mm छोड़कर यहाँ पे छोड़ देंगे और इसके बाद जो चौड़ाई है वो कितना है, 50 centimeters, तो स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 centimeters आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, और इसको इसके बराबर लाके छोड़ देंगे, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इस सर्कल मास्टर से मिला लेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा मिल गया, ये इस तरह से सर्कुलर हो जाएगा हमारा बाथ टब। यहाँ पे कुछ सप्लाईज होती हैं जो कि यहाँ पे मेन सप्लाई होगी वाटर की, ठीक है, यहाँ पे वाटर हमारा आएगा, क्लियर है, यहाँ से वाटर आएगा सप्लाई, अभी हम बाद में सप्लाईज को प्रोवाइड कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने बाथ टब को भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं फुट मैट की। यहाँ पे हमारा जस्ट इसके मिड में 3.5 पे मिड हो जाएगा और मिड से ही हम क्या करेंगे, फुट मैट यानी लगभग 2 centimeters और 1 centimeter का हम फुट मैट बिछा देते हैं और नहाने के बाद जस्ट इस पर हम अपना पैर पोछ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से हमारा फुट मैट हो जाएगा, क्लियर है। इसको यहाँ पे हमने अपना फुट मैट भी बना लिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंक की। तो यहाँ पे हम सिंक अपना प्रोवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग 2 centimeters और 1 centimeter यहाँ पे मेज़रमेंट आपको दिया नहीं रहेगा तो आप अपने आप से मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके जस्ट ऊपर बना लेते हैं हम, हमारा जो होगा यहाँ पे इसके मिड में
बिल्कुल सॉरी इसके यहाँ से ऊपर की तरफ 5 mm का हम अपना एक ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुली ट्रैप लगाया जाएगा यहाँ पे, और जो हमारा रेन वाटर पाइप है यहाँ पे लगाई जाएगी, और जो है और एक और पाइप लगाई जाएगी ठीक है। तो और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर रहेगा ठीक है। इंस्पेक्शन चैम्बर यहाँ पे लगाया जाएगा ठीक है। जो पानी वेस्टेज पानी होगा वो इंस्पेक्शन चैम्बर के होते हुए सीवेज में चला जाएगा। यहाँ पे हम सीवेज की सप्लाई दे देते हैं इस तरह से ठीक है, इस तरह से सीवेज में चला जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम वाटर सप्लाई, और यहाँ पे हमारा जो ये हमारा क्या नाम है इसका जो टॉयलेट है इसको बना लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे फ्लश टैंक होगा, तो यहाँ से 2 mm निकाल के इसको यहाँ पे कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट लेने के बाद 1 mm लेफ्ट और 1 mm राइट ठीक है। ये इंग्लिश टॉयलेट होता है और ये जस्ट गोल होता है। तो यहाँ पे हम अपने सर्कल मास्टर से इस तरह से टॉयलेट बना देते हैं ठीक है। ये हमारा टॉयलेट हो गया, जस्ट इससे फ्लश टैंक से रखा रहता है, यानी कि यहाँ पे एडजस्ट रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी सप्लाईज आती है, यानी मेन पाइप की सप्लाई यहाँ से आती है, इस पर आती है और इसमें भी आती है और ठीक इसमें भी आती है गुल्ली ट्रैप के द्वारा ठीक है। तो उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसमें पानी की सप्लाई आएगी इसमें यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे। और जस्ट यहाँ पे भी मेन सप्लाई आएगी पानी की, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं मेन सप्लाई पानी की, जस्ट इसके पैरेलल ही रहेगा ठीक है। यहाँ पे बन गया, और इसके बीच में यानी हमारा जो गुल्ली ट्रैप है इसके बीच में भी हमारी सप्लाई आती है, तो यहाँ पे हम इस तरह से प्रोवाइड कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अब हम लगभग सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी है ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ क्या है और कैसे प्रोवाइड की गई है ठीक है, और हैचिंग भी कर लेंगे साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है, तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमारा जो वाटर सिस्टम है यानी प्लम्बिंग है, तो यहाँ पे हमारा ये गुल्ली ट्रैप लगाया गया है ठीक है, और ये हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मेन वाटर सप्लाई है ठीक है। मेन वाटर सप्लाई जो है ये इस तरह से कुछ इसमें हमारा LB में आता है, यानी कि L जो है हमारा LB जो है हमारा सेकेंड टॉयलेट है ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये सेकेंड टॉयलेट है, यहाँ पे वाटर सप्लाई इस तरह से आया है ठीक है। हमारा जो ग्रेडियंट दिया गया है वो 1 in 50 का दिया गया है ठीक है। वाटर सप्लाई यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमारे बाथटब में जाएगा ठीक है, इंस्पेक्शन चैम्बर, और यहाँ से जो सीवेज वगैरह होगा वो दूसरी पाइप से चला जाएगा ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो मेज़रमेंट है यानी 3 meter ये है, 4 meter ये है, और ये हमारा फुट मैप है, मैट है,
और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ सिंबल हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारा WC है जो टॉयलेट सीट है, तो यहाँ पे हमारा WC प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ये हमारा सिंक है, तो सिंक इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो अब इसके बाद फ्लोर ट्रैप, यानी FT फ्लोर ट्रैप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से हमारा पानी जो है एक्स्ट्रा पानी वो नीचे चला जाएगा। इसमें TR जो है टॉवेल रेल है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसकी लंबाई 600 mm होती है। और ये हमारा MWP यानी कि मेन वाटर पाइप है, जो कि यहाँ पे मेन वाटर पाइप यहाँ पे दिखाई गई है। और MVP यानी कि मेन एग्जिट पाइप जो है, यानी कि यहाँ पे है MVP यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद LB जो हमारा है, हमारा सेकेंड टॉयलेट है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पे अगर जो नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे कर सकता है। BT यानी कि हमारा जो बाथ टब है, यहाँ पे इसकी मेजरमेंट 1.5 meter × 0.5 meter है, ठीक है। जी हमारा गुली ट्रैप है, गुली ट्रैप आपने पिछली वीडियो में देख लिया है कि गुली ट्रैप का काम क्या होता है, ठीक है। गुली ट्रैप यहाँ पे लगाया गया है। अगला है MSP यानी कि मेन स्टोन वेयर पाइप। तो MSP यहाँ पे हमारा लगाया गया है, मेन स्टोन वेयर पाइप यहाँ पे लगाया गया है। और इसके बाद हमारा है RWP यानी कि रेन वाटर पाइप, ठीक है। RWP यहाँ पे लगाया गया है, यानी कि इसी में लगाया गया है, यानी कि ये पूरा एक सिस्टम है। और यहाँ से हमारा बाथ टब में पानी आता है, और यहाँ शौचालय में भी आता है, और इस टॉयलेट में भी पानी आता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा बाथरूम जो है, इसमें मार्बल फ्लोर है, और ये देख लीजिए टाइल्स जो लगी गई है 1.5 meter हाइट तक लगी गई है, ठीक है। इस दीवार पे पूरे हाइट यानी कि 1.5 meter तक जो है टाइल लगाई गई है, उसके बाद प्लास्टर किया गया है, ठीक है। IC जो हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर है या फिर मेन हॉल है, तो यहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर है, ठीक है। और इस तरह से हमने टोटल, आप कह सकते हैं ये हमने हाउस बाथरूम के प्लानिंग की बात कर ली, और ये एक तरह का सेक्शनल प्लान ही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, 1x1 करके देख लेंगे, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वियर या फिर डैम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।